आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन को समझेंगे प्रॉपर नोट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ. आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में अब तक हमने आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और एडीआर का मतलब क्या है, क्यों आज के जुडिशियल सिस्टम में हमें एक एडिशनल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहां हम अपने डिस्प्यूट्स को आसानी से रिजॉल्व करा लें. तो पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडीआर, इसे भी हमने समझ लिया था अपने पहले क्लास में. तो आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन से डील करेंगे. आर्बिट्रेशन के बेसिकली 8 काइंड्स हैं या 8 प्रकार हैं. सबसे पहला है एडहॉक आर्बिट्रेशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, तीसरा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, फोर्थ वन इज स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, पांचवा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, छठा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, सातवां है इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन और लास्ट है फॉरेन आर्बिट्रेशन. तो बेसिकली देर आर 8 काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन: एडहॉक आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और लास्ट है फॉरेन आर्बिट्रेशन. चलिए एक एक करके हम इन 8 कैटेगरीज ऑफ आर्बिट्रेशन को समझते हैं. आर्बिट्रेशन क्या है आपको अच्छे से पता है. तो अब ये जो डिफरेंट काइंड्स हैं इन्हें हम समझते हुए चलेंगे. एडहॉक आर्बिट्रेशन, देखो दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन इज शॉर्ट व्हेन डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. हमने ये जाना था कि एडीआर में बेसिकली हम उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का होता है, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं और ऐसे डिस्प्यूट्स जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं जो अराइज होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के वजह से. तो एडहॉक आर्बिट्रेशन का हम यूज़ करते हैं जब दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट अराइज होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर के. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो जिस आर्बिट्रेशन का यूज करेगी वो पार्टीज वो कहलाएगा एडहॉक आर्बिट्रेशन. तो आप लिख सकते हो दिस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन इज शॉर्ट व्हेन
dispute arising between parties out of business transaction. ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन. अ कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन मे बी शॉर्ट फॉर अर्ली सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ. तो दो पर्सन्स के बीच जो रिलेशन था वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन था. एक ऐसा आर्बिट्रेशन जो दो पर्सन्स के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और जो डिस्प्यूट अराइज हुआ होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के वजह से तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन. ये क्या है, नाम सही क्लियर है तो आप इसमें लिखोगे अ कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन मे बी शॉर्ट फॉर अर्ली सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ. राइट, तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. अंडर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन द पार्टीज मे अग्री इन एडवांस दैट इन इवेंट ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन द मैटर्स विल बी रेफर्ड फॉर सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन टू इंस्टीट्यूशन ऑफ हैविंग वन और मोर पार्टीज एज मेंबर. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब दो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास ले जाके रिजॉल्व कराती हैं आर्बिट्रेशन के तहत, और वो जो इंस्टीट्यूशन है इट मे कंटेन वन और मोर देन वन आर्बिट्रेटर्स, और ये जो डिस्प्यूट अराइज होगा इनके बीच वो कमर्शियल डिस्प्यूट होगा. तो बेसिकली द पार्टीज टू द कमर्शियल डिस्प्यूट हैव मेड अ प्रायर अग्रीमेंट बिटवीन देम दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट डिस्प्यूट विल बी सॉल्वड थ्रू एन इंस्टीट्यूशन. एक इंस्टीट्यूशन से उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जाएगा तो उसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. तो इसमें आप लिखोगे अंडर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पार्टीज मे एग्री इन एडवांस दैट इन द इवेंट ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट और डिफरेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस द मैटर्स विल बी रेफर्ड फॉर द सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. राइट, दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. अब है हमारा स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन. वेयर एन आर्बिट्रेशन इज स्टैचुटोरली इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन द पार्टीज टू अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन द पार्टीज हैव नो ऑप्शन अदर देन टू अबाइड बाय दैट आर्बिट्रेशन. बेसिकली जब स्टेट एक पर्टिकुलर मोड ऑफ आर्बिट्रेशन को क्या करती है, लागू करती है लॉ के फॉर्म में कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट डिस्प्यूट विल बी सॉल्व थ्रू दैट मोड ऑफ आर्बिट्रेशन, तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज क्या हैं, बाउंड हैं कि वो अपने डिस्प्यूट को उसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन से
रिजॉल्व कराएंगे, तो इसे हम कहेंगे स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन। तो इसमें आप लिखोगे वेयर एन आर्बिट्रेशन इज स्टैचुटरी इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन द पार्टीज टू अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं, और जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो कमर्शियल डिस्प्यूट है, तो उसे रिजॉल्व कराने के लिए आर्बिट्रेशन के तहत हमारे पास डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो ये था स्टैचुटरी आर्बिट्रेशन। फिर है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल आर गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज कॉल्ड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। देखो, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और जितने भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन लॉज के द्वारा, तो वो कहलाता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। जैसे हमारे इंडिया में ADR को लेकर के जो पर्टिकुलर लॉ है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इट इज़ वॉट, इट इज़ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। क्योंकि आर्बिट्रेशन के तहत जिन प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत होने चाहिए। तो दिस इज वॉट, दिस इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। फिर है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ऐसे आर्बिट्रेशन जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन नहीं है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मे टेक प्लेस ईदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन मोड को यूज कर रहे हैं जो किसी और देश का है, राइट, और जो दो पार्टीज थी जिनके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ था उसमें से एक जो पार्टी थी वो इंडियन डोमिसाइल की थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये था कि इस पर्टिकुलर मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत ही आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराओगे, हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएंगे। तो ये जो आर्बिट्रेशन मोड है इट इज ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, लेकिन चूंकि एक पार्टी इंडियन डोमिसाइल की थी तो इस पर्टिकुलर मोड ऑफ आर्बिट्रेशन का यूज किया गया इंडियन टेरिटरी में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए। तो एक ये हो सकता है। या दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ आर्बिट्रेशन इज यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स आउटसाइड द इंडिया, किसी अदर देश में, जो आर्बिट्रेशन मोड इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है। अब हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज कमर्शियल इफ इट रिलेट्स टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया वेयर वन ऑफ द पार्टीज।
क्या कह रहे हैं देखो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तब कहलाएगा जब दो पार्टीज के बीच लीगल रिलेशनशिप है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी दैट पर्टिकुलर लीगल रिलेशनशिप मे बी अराइजिंग बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तब कहेंगे वेयर वन ऑफ द पार्टीज क्या कहता है, पहला कहता है नेशनल ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं और आप सुन के लिख लो, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, यानी एक बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया का नहीं है, जो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। तीसरा कंपनी और एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुज सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, और लास्ट कहता है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, क्या है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। फिर से समझो, एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज कमर्शियल, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तब कहेंगे इफ इट रिलेट्स टू अ डिस्प्यूट, यदि वो एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड है जो कि अराइज होता है बिकॉज ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। आगे कहता है वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, वेयर वन ऑफ द पार्टीज, पहला नेशनल ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन इंडिया, नेशनल ऑफ ए कंट्री अदर देन इंडिया, यानी वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज नेशनल ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया, वेयर वन ऑफ द पार्टी इज बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया, तीसरा वेयर वन ऑफ द पार्टी इज अ कंपनी और एसोसिएशन हुज सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड इन एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया, और लास्ट कहता है गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। तो दीज आर फोर कंडीशंस, इफ इम्पोज्ड इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इट बिकम्स इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, राइट। लास्ट है फॉरेन आर्बिट्रेशन, एन आर्बिट्रेशन विच इज कंडक्टेड इन एनी प्लेस अदर देन इंडिया नोन एज फॉरेन आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइम्स ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे ही ADR का लेक्चर कंप्लीट होगा, मैं आपको तुरंत IPR की तरह ही नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।